कोरोना वायरस ने दुनिया के करीब 200 देशों में कोहराम मचा रखा है। कोरोना के कारण अमेरिका में दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना के कारण पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,169 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक 6,129 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा करीब 2.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इसी बीच भारतीय मूल के अमेरिकी नेता निक्की हेली ने कोरोना वायरस के आंकड़ों को लेकर चीन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। हेली का कहना है कि कोरोना वायरस के मामले में चीन के आधिकारिक आंकड़ों पर शक जताया है। उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की है जब CIA ने व्हाइट हाउस के चीन द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों पर भरोसा न करने की सलाह दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुधवार को पत्रकारों से कहा था कि उन्हें चीन के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पूर्व राजदूत हेली ने गुरुवार को ट्वीट किया कि चीन जैसे 1.5 अरब की आबादी वाले देश में कोरोना वायरस के केवल 82,000 मामले सामने आए और 3,300 लोगों की मौत हुई। ये साफ तौर पर सच नहीं है। हेली ने कहा कि चीन बाकी दुनिया को विषाणु से लड़ने में मदद करने की बजाय अपनी साख की अधिक चिंता करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA चीन में COVID-19 के आंकड़ों का स्वतंत्र आकलन कर रहा है और उसमें व्हाइट हाउस को चीन द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों पर भरोसा न करने की सलाह दी है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार मुख्य भूभाग पर COVID-19 के कुल 81,590 मामले दर्ज किए गए हैं और बुधवार तक इस बीमारी से 3,318 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा था कि चीनी आंकड़ों की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। इधर अमेरिका के बाद इटली, स्पेन और फ्रांस में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।